4 डेज बिफोर हमने एक वीडियो बनाई थी स्पेसिफिकली अपने टैक्स प्रोफेशनल कलीग्स के लिए और उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो कि टैक्स साइड में प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, ऑन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द लेटेस्ट टोला इशू, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल की जो जजमेंट अभी रिसेंटली आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस हमने वीडियो में किया था। उस वीडियो पर हमारे एक व्यूअर, एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत बेनिफिशियल है सभी एसएससीज के लिए। सो उस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ सो दैट ऑल द एसएससीज जिनका इस तरह का केस है उनको ये बेनिफिशियल हो सके। सो द क्वेश्चन इज, गुड मॉर्निंग, इज नोटिस ऑफ ए वाई 2016-17 विथ एस्केप इनकम लेस देन रुपीज 50 लाख एंड सैंक्शन अथॉरिटीज PCIT, प्लीज कन्फर्म। तो यहाँ पे हमारे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि असेसमेंट ईयर अगर 2016-17 का है और जो नोटिस है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद आया है और उसमें एस्केप्ड इनकम 50 लाख से कम है और सैंक्शन अथॉरिटी PCIT से है, तो इसमें क्या होगा? सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है व्यूअर का, बिकॉज बहुत सारे ऐसे नोटिसेज होंगे जिसमें कि 50 लाख से कम अमाउंट है एस्केप्ड इनकम, 50 लाख से कम है, उन सब केसेस में क्या होगा रिगार्डिंग द राजीव बंसल जजमेंट, उसका इम्पैक्ट उन सारे नोटिसेस पर क्या होगा जो 148 के नोटिसेस 1 अप्रैल 2021 के बाद आए हैं और उनमें एस्केप्ड इनकम 50 लाख से कम है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। बिकॉज राजीव बंसल की जजमेंट में मैंने बहुत बार उसको स्टडी किया, बिकॉज मेरे पास भी 4 ऐसे टैक्स मैटर्स हैं जिसमें कि एस्केप्ड इनकम लेस देन 50 लाख है और हाईकोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ था बिफोर दिस जजमेंट केम इन सुप्रीम कोर्ट। सो उसमें मुझे भी आर्ग्यू करना था, सो आई वॉज फाइंडिंग आउट द बेस्ट डिफेंस फ्रॉम द जजमेंट। तो बहुत बार जजमेंट को पढ़ने के बाद, रिव्यू करने के बाद जो मुझे डिफेंस दिखा, बहुत सारे और डिफेंसेस हैं लेकिन स्पेसिफिकली जो 50 लाख से कम इनकम वाले नोटिसेस हैं उनमें जो डिफेंस मुझे मिला है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ और वो सभी एसएससीज के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो हमारे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है उनके लिए भी आंसर है। सो ये जो जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल, इसके अगर पैराग्राफ 50 को अगर हम देखते हैं तो पैराग्राफ 50, 52 और 53 ये पैराग्राफ्स स्पेसिफिकली बात करते हैं उन नोटिसेस के लिए जिसमें कि एस्केप्ड इनकम 50 लाख से कम है। तो पहले हम इस जजमेंट में ये पैराग्राफ्स पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस वजह से क्या इम्पैक्ट होगा उन सारे नोटिसेस पर जो कि 50 लाख से कम एस्केप्ड इनकम वाले हैं। सो पैरा नंबर 50 ये कहता है दैट अनदर इम्पॉर्टेंट चेंज अंडर सेक्शन 149(1)(b) ऑफ द न्यू रेजिम इज द इंक्रीज इन द मॉनिटरी थ्रेश होल्ड फ्रॉम ₹1 lakh टू ₹50 lakhs। द ओल्ड रेजिम प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट ऑफ 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स which escaped an assessment was more than ₹1 lakh. In comparison, the new regime increases the time limit to 10 years if the escaped assessment amounts to more than ₹50 lakhs. This change could be summarized thus. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेबल बनाई है। In the table, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली लिखा है that old regime का टाइम लिमिट था 4 years but not more than 6 years. और उसमें जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट वो ₹1 lakh और मोर था और न्यू रेजिम में टाइम लिमिट वॉज 3 years बट नॉट मोर देन 10 years और इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट वो ₹50 lakhs और मोर हो गया है। न्यू रेजिम में टाइम लिमिट जो चेंज हो गया है दैट इज 3 years बट नॉट मोर देन 10 years और उसमें इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट इज ₹50 lakhs और मोर। तो इस टेबल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि एक तो टाइम लिमिट में चेंज हुआ है न्यू रेजिम में और जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो भी चेंज हो गया है। ओल्ड रेजिम में ₹1 lakh और मोर के लिए था और नए रेजिम में ₹50 lakhs और मोर है। अब आगे पैरा 52 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इन आशीष अग्रवाल सुप्रा दिस कोर्ट हेल्ड दैट द बेनिफिट ऑफ द न्यू रेजिम मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द रीअसेसमेंट कंडक्टेड फॉर द पास्ट पीरियड्स। The increase of the monetary threshold from ₹1 lakh to ₹50 lakh is beneficial for the assessees. Mr. Venkatraman has also conceded on behalf of the revenue. जो revenue की तरफ से ASG Mr. Venkatraman ने argue किया था, उनका यहाँ पर
स्टेटमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है स्पेसिफिकली दैट मिस्टर वेंकट रमन हैज ऑल्सो कंसीडर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रेवेन्यू दैट ऑल नोटिस इशूड अंडर द न्यू रेजीम बाय इनवोकिंग सिक्स ईयर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 149(1)(b) ऑफ द ओल्ड रेजीम विच विल हैव टू बी ड्रॉप्ड इफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट इज लेस देन ₹50 लाख. सो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ASG वेंकट रमन का स्टेटमेंट लिखा है जो कि ASG आर्ग्यू कर रहे थे रेवेन्यू की तरफ से. उन्होंने खुद से ये कंसेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था दैट द रेवेन्यू हैज गिवन दिस कंसेशन कि जो भी नोटिसेज में एस्केप्ड इनकम लेस देन 50 लाख है यानी थ्रेश होल्ड हो चुका है 50 लाख का न्यू रेजिम में, देयरफोर जो भी 50 लाख से कम अमाउंट के नोटिसेज हैं वो सब ड्रॉप्ड किए जाने चाहिए. ये रेवेन्यू ने खुद ही कंसीड किया और इस स्टेटमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पैरा नंबर 52 में स्पेसिफिकली बता दिया है. विच वुड मीन कि जितने भी 148 के नोटिसेज 1 अप्रैल 2021 के बाद आए हैं और जिसमें एस्केप इनकम 50 लाख से कम है उनके लिए स्पेसिफिकली रेवेन्यू ने खुद ही कंसेशन दे दिया है दैट वो सारे नोटिसेज को ड्रॉप होना होगा बिकॉज उसमें 50 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रहा है. 50 लाख का थ्रेशोल्ड न्यू रेजिम में आने की वजह से जो भी 50 लाख अमाउंट से कम वाले नोटिसेज हैं वो सब ड्रॉप्ड होने चाहिए. ये रेवेन्यू का खुद का दिया हुआ कंसेशन है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पैरा नंबर 52 जजमेंट में रेफर किया है. और इसके बाद से 53 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका लीगल एस्पेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है कि लीगली भी क्यों ये बात जो रेवेन्यू ने कंसेशन दिया है ये लीगली भी सस्टेनेबल क्यों है. यानी कि इवन इफ रेवेन्यू फ्यूचर में ये कहे दैट नहीं हम ये नहीं मानते हैं इवन देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 53 में और क्लैरिफाई कर दिया है लीगल पोजीशन को एक्सप्लेन करते हुए भी. सो लेट अस रीड दैट पैरा 53 नाउ. पैरा 53 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट द पोजीशन ऑफ लॉ विच कैन बी डिराइव्ड बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन मे बी समराइज्ड दस. वन, सेक्शन 149(1) ऑफ द न्यू रेजिम इज नॉट प्रोस्पेक्टिव. इट ऑल्सो अप्लाइज टू पास्ट असेसमेंट ईयर्स. नंबर टू, द टाइम लिमिट ऑफ 4 years इज नाउ रिड्यूस टू 3 years फॉर ऑल सिचुएशंस. द रेवेन्यू कैन इशू नोटिसेज अंडर सेक्शन 148 ऑफ द न्यू रेजिम ओनली इफ 3 years और लेस हैव एलैप्स्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. थर्ड, द प्रोविजन टू सेक्शन 149(1)(b) of the new regime stipulates that the revenue can issue reassessment notices for past assessment years only if the time limit survives according to section 149(1)(b) of the old regime, that is 6 years from the end of the relevant assessment year. And fourth point, all notices issued invoking the time limit under section 149(1)(b) of the old regime will have to be dropped if the income chargeable to tax which has escaped assessment is less than 50 lakhs. So honorable supreme court ne clear words mein keh diya hai ki jisme bhi income chargeable to tax less than 50 lakhs hai wo sare notices ko dropped hona padega. So para number 52 mein honorable supreme court ne pehle revenue ka jo statement hai wo refer kiya jo ki ASG mr venkat raman ne कंसीड किया था, जो कंसेशन रेवेन्यू ने खुद दिया था उसको रेफर किया स्पेसिफिकली लिखा. देन पैरा 53 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन भी कर दिया सेक्शन 149 को एक्सप्लेन करते हुए लीगल एस्पेक्ट लीगल पोजीशन एक्सप्लेन कर दी और क्लियर कर दिया दैट जो भी नोटिसेज 1 अप्रैल 2021 के आए हैं जो कि राजीव बंसल जजमेंट से इम्पैक्ट हो रहे हैं और उन नोटिसेज में इनकम चार्जेबल जो है वो 50 लाख से कम है अगर अमाउंट तो वो सारे नोटिसेज ड्रॉप्ड होने चाहिए. सो देयरफॉर जो हमारे व्यूअर ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि असेसमेंट ईयर 2016-17 है और एस्केप इनकम लेस देन 50 लाख है तो क्या होगा. सो एज पर दिस राजीव बंसल जजमेंट पैरा 48, 52 एंड 53 नोटिसेज आपके ड्रॉप्ड होने चाहिए. तो ये डिफेंस आप हाई कोर्ट में दे सकते हैं. अगर आपने चैलेंज किया है तो उसमें आप ये डिफेंस रेज कर सकते हैं. चैलेंज नहीं किया अब तक तो चैलेंज करके हाईकोर्ट में रिट डाल के आप उसमें ये अपना डिफेंस रेज कर सकते हैं बाय रेफरिंग टू द पैरा 48, 52 एंड 53 ऑफ द राजीव बंसल यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और अब सभी SECs के लिए
यानी कि ये तो व्यूअर ने 2016-17 का क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग लेस देन 50 लाख एस्केप्ड इनकम अमाउंट के लिए, लेकिन जो भी बाकी असेसमेंट ईयर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2017-18 का असेसमेंट ईयर है, जैसे मेरे पास भी जो केस है वो 2017-18 के कई केसेज हैं जिसमें एस्केप्ड इनकम लेस देन 50 लाख है, तो उसमें भी मैं यही डिफेंस लूंगी, बिकॉज ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके अंदर जो हेल्ड किया है वो सब असेसमेंट ईयर्स के लिए है, फॉर ऑल द नोटिसेज आफ्टर 1 अप्रैल 2021 जो भी नोटिसेज आए हैं जिनमें कि ये राजीव बंसल जजमेंट अप्लाई हो रही है, उन सबके लिए ही ये डिफेंस अप्लाई करेगा। सो दिस इज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राजीव बंसल जजमेंट, जो ये जजमेंट पढ़ के मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुई, जो मुझे समझ में आया, जो मैंने इसमें इंटरप्रेट किया, वो मुझे लग रहा है कि 50 लाख से कम वाले सारे नोटिसेज ड्रॉप होने चाहिए। हाउएवर, और किसी के कुछ और व्यूज हो सकते हैं बिकॉज इस जजमेंट के बहुत इंटरप्रिटेशंस कई लॉयर्स कर रहे हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने इसमें जजमेंट में समझा है वो मुझे लगता है कि 50 लाख से कम असेसमेंट वाले नोटिसेस सारे ड्रॉप्ड होने चाहिए, और यही आर्ग्यूमेंट मैं भी अपने केसेस में हाईकोर्ट में करने वाली हूँ। नाउ जो व्यूअर ने सेकेंड इसमें लिखा है कि सैंक्शन अथॉरिटी PCIT थी इनकम लेस देन 50 लाख के केसेस के लिए, सो सैंक्शन अथॉरिटी तो उस हिसाब से सही है PCIT, बिकॉज इफ मोर देन 50 लाख अमाउंट होता तो सैंक्शन अथॉरिटी PCCIT चाहिए थी, लेकिन अगर लेस देन 50 लाख अमाउंट है तो सैंक्शन अथॉरिटी तो सही है PCIT, लेकिन जो मॉनिटरी थ्रेशोल्ड का पॉइंट है वो जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है उस बेसिस पर हमारे व्यूअर को ये जवाब है कि आप ये डिफेंस ले सकते हैं और अपने नोटिसेस को ड्रॉप क्वैश करवाने के लिए आप आर्ग्यू कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स होप दैट दिस डिफेंस इज वेल कंसीडर्ड बाय ऑल द हाई कोर्ट्स एंड ऑल द नोटिसेस अंडर सेक्शन 148 व्हिच आर इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2021 एंड वेयर द एस्केप्ड इनकम इज लेस देन 50 लैक्स आर ड्रॉप्ड एंड क्वैश्ड।